गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द मैथ्स क्लास फॉर स्टैंडर्ड 7 एंड आई एम योर मैथ्स टीचर. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स कंटिन्यू अवर एक्सरसाइज. सो हियर एक्सरसाइज 2.5, वी लास्टली डिड क्वेश्चन नंबर 3. नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट क्वेश्चन नंबर 4 सेज इज द सिंपल थिंग एक्सप्रेस इन द किलोग्राम. सो वॉट एवर द टर्म्स गिवन, वी हैव टू एक्सप्रेस और वी हैव टू कन्वर्ट दैट इन टू किलोग्राम्स. सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन 200 grams एंड द सेकेंड क्वेश्चन 4 kg 8 grams. सो 4 kg इंटू 8 grams वी हैव टू कन्वर्ट दिस इंटू किलोग्राम. सो फॉर द कन्वर्जन यू नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 grams, राइट. सो अकॉर्डिंग टू दैट कन्वर्जन वी हैव टू फॉलो द रूल्स. अगर किलोग्राम में से ग्राम में जाना हो तो मल्टीप्लीकेशन, ग्राम में से किलोग्राम में आना हो तो डिवीजन. हियर इट इज मल्टीप्लीकेशन. सो मल्टीप्लीकेशन वन, अगर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो यहाँ पे 200 को किलो, 200 ग्राम्स को हमको क्या करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से. क्यों? क्योंकि ग्राम में से हमको कहाँ जाना है, किलोग्राम में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 zeros आर गॉन. नाउ द वैल्यूज लेफ्ट इज 2/10. सो 2/10 इज वॉट, 0.2. ऑन द 10th प्लेस वी हैव टू पुट द डेसिमल पॉइंट. सो 0.2 kg. सो 200 grams इज इक्वल टू 0.2 kg. ईजी. लेट्स डू द अनदर वन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. वॉट सेकेंड क्वेश्चन इज 4 kg 8 grams. वी हैव टू कन्वर्ट इट इन टू टोटली किलोग्राम. सो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 4 तो ऐसे का ऐसा रहेगा. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी किलोग्राम में है, प्लस 8 को किससे, वो ग्राम में है, 8 को डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 1000 से. क्यों? क्योंकि वो ग्राम में है, हमको उसको चाहिए किलोग्राम में. सो वी हैव टू डिवाइड दिस विद द 1000. नाउ 4 + 8. सो नाउ ऑन द 1000 प्लेस वी हैव टू पुट द डेसिमल पॉइंट. सो 1th प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस एंड द 1000 प्लेस वी आर पुटिंग डेसिमल पॉइंट. सो 0.008. नाउ एड बोथ ऑफ देम. सो 4.008 kg. इजी है, वेरी इजी. सो दैट्स हाउ यू कैन कन्वर्ट द ग्राम्स इंटू किलोग्राम. Now the leftover sum you have to do by yourself. Now moving on question number 5. Write the decimal number into expanded form. Already the in the last video or in the previous video I explained how to write expanded form and how to identify the place. So if you don't know, just watch that video again so you will understand properly. Now we have to write it into expanded form. Expanded form में आप कैसे लिखेंगे? See, ऑन द लेफ्ट साइड जो भी है प्लेस वैल्यू से जाएंगे. सो टू यहाँ से स्टार्ट करो. दिस इज 1th प्लेस, दिस इज 10th प्लेस. सो हियर 2 × 10 प्लस दिस इज अ 1th प्लेस. सो 0 × 1 प्लस हियर इट इज अ 10th प्लेस, इट इज अ 100th प्लेस. सो नाउ 0 × 1 / 10 प्लस 3 × 1 / 100. सो दिस इज हाउ यू कैन राइट इट इन अ एक्सपांडेड फॉर्म. ईजी है, कुछ नहीं करना है, बस एज अ प्लेस वैल्यू के हिसाब से जाना है. सो प्लेस वैल्यू के हिसाब से मल्टीप्लाई करो और प्लेस वैल्यू के हिसाब से डिवाइड करो. ईजी है, सिंपल. सो नाउ मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट क्वेश्चन नंबर 6 इज, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2. नाउ यहाँ पे सम नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें से 2 मैंने निकाले हैं. नाउ फ्रॉम दैट वी हैव टू फाइंड आउट द प्लेस ऑफ 2. सो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 वी हैव टू राइट डाउन द फर्स्ट टर्म 2.56. सो 2.56 में से प्लेस वैल्यू क्या है 2 की? सी आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ऑन द लेफ्ट साइड 2 इज ऑन द 1th प्लेस. सी 1 स्टेप हमेशा एक्सपांडेड फॉर्म में याद रखना है. डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो होगा वो होगा 1th प्लेस,
फिर होगा 10th प्लेस, फिर होगा 100th प्लेस, और ऑन द राइट साइड होगा 10th प्लेस से 100th प्लेस, 1000th प्लेस, 10,000th प्लेस एंड फर्दर। सो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, ऑब्वियसली डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड जो होगा वो होगा आपका फर्स्ट वंस प्लेस। वंस प्लेस सिर्फ एक ही बार होगा, वो भी डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड पे वंस प्लेस नहीं आएगा। ओनली वंस प्लेस एक ही बार होगा डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड, जो भी डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड फर्स्ट डिजिट है वो आपका प्लेस वैल्यू होगा वंस प्लेस। सो यहाँ पे टू है ऑन द वंस प्लेस, सो टू प्लेस वैल्यू इज वंस। सो वंस और वंस, सो टू प्लेस वैल्यू इज वंस और टू इज ऑन द वंस प्लेस। यू कैन राइट लाइक दिस, टू इज ऑन द वंस प्लेस, इजी। सेम एज हियर, सी 9 इज ऑन द वंस प्लेस, 4 इज ऑन द 10th प्लेस एंड 2 इज ऑन द 100th प्लेस। सो हियर आई कैन राइट लाइक दिस, 2 इज ऑन द 100th प्लेस, इजी है, कुछ नहीं करना है, बस प्लेस वैल्यू डिफाइंड करो और उसको राइट डाउन करो। सो टू की प्लेस वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, 100th। वेन एवर यू गोइंग ऑन द राइट साइड इट विल बी 10th, 10th, 100th, 1000th, 10,000, lakh, 1 lakh, 10 lakh, 1 crore, दैट काइंड ऑफ गोज। एंड ऑन द राइट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड इट इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, टेन हंड्रेड्स, देन 10,000, सॉरी 1,000, 10,000, 1 lakh, दैट्स ऑल। सो दैट्स सो ऑन गोल्स ऑन, सो ये चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। सो यहाँ पे टू कौन से प्लेस पर है, डेसिमल पॉइंट के फर्स्ट साइड जो लेफ्ट साइड फर्स्ट डिजिट है वो वंथ प्ले टेंथ प्लेस होगा, उसके बाद होगा 100th प्लेस। सो 10th प्लेस पे है 4, 100th प्लेस पे है 2, सो दैट्स वाई 2 इज ऑन द 100th प्लेस, easy. So that's how you can do the question number 6. Now moving on question number 7. Okay, so moving on our question number 7. So now what question number 7 says, Dinesh went from the place A to place B and from there to place C. Matlab Dinesh yahan se pehle gaya, according to figure, there is a figure also given in question. Dinesh gaya A point se B point par, then B se gaya C point par. Now, A is a 7.5 किलोमीटर from B. मतलब A और B का डिस्टेंस कितना है, A to B का डिस्टेंस 7.5 किलोमीटर। Now, and B is 12.7 किलोमीटर from C. मतलब 12.7 किलोमीटर दूर है B C से. So 12.7 किलोमीटर is the distance between B to C. So Dinesh travel, this is the travel history of Dinesh. So first of all, Dinesh traveled from point A to point B 7.5 kilometer, and then point B to point C. So total distance covered by Dinesh, first of all, अभी हम यहाँ तक का ही question करेंगे, Dinesh का find out करो. Okay, first of all I'll read proper full question, then continue with this. So now from C. Now the second is, Ayub went from the place A to place D. Here, Ayub place went from A to D. A to D. And from D, there is a to place C. Now, wo kahan se gaya? A to D, then D to C. So, he went from A to D and D to C. Now, the distance between A to D is what? 9.3 kilometer. And D to C is what? 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए एंड द सी इज 11.8 किलोमीटर फ्रॉम डी, सो 11.8 किलोमीटर।
So here it is the total distance. So now this is the travel history of Ayub. And this is the travel history of Dinesh. So first of all, the question wants to say who travel more and how much. मतलब यहाँ पे किसने travel ज़्यादा किया और कितना किस ज़्यादा किया, that we have to find out. So Dinesh ने ज़्यादा travel किया या Ayub ने ज़्यादा travel किया. So दोनों का पहले travel distance find out करना पड़ेगा, फिर उसको match करना पड़ेगा किसने ज़्यादा किया और किसने कम किया. So first of all, distance travel by Dinesh is equal to A to B plus B to C. So A to B का distance कितना है, A to B 7.5 plus B to C का कितना है 12.7. So 12.7. Now add both of them, 12.7 and 7.5. So here I'll do it, 12.7 plus 7.5. So here 7 plus 5 is what, 12, goes 1 point as it is. 2 plus 1 3, 3 plus 7 10, 10 plus 1, so 20.2 kilometer. So here 20.2 kilometer distance covered by Dinesh. Now same as we have to find out distance covered by, here I am going, distance covered by Ayub. Or distance traveled by Ayub. So distance traveled by Ayub is equal to A to D and D to C. So A to D plus D to C. So here A to D is what? Distance A to D 9.3 kilometer plus D to C is 11.8 kilometer. So that's why 9.3 plus 11.8. So here we can do this, 11.8 and 9.3. So 8 plus 3 is 11, 9 plus 1 10 and again 11 and 2. So 21.1. So 21.1 kilometer distance traveled by Ayub. So here it is the difference. Now the first question we done. Now who travel more? The question is who travel more, Dinesh or Ayub? So दोनों का compare करते हैं. Dinesh का travelling history 20.2 kilometer and the Ayub travel 21.1 kilometer. So obviously this is Dinesh and this is Ayub. So who traveled more? Obviously Ayub traveled more. अब कितना ज़्यादा travel किया, so वो भी find out करना है. See, by how much, मतलब कितना, so extra distance traveled by Ayub is equal to. Now क्या करेंगे इसे, दोनों का subtraction करेंगे. So 20 minus 2. So here 21.1 minus 20.2. So let's do here, 21.1 minus 20.2. So here 10, 0, so 10 में से दो जाएगा, कितना बचेगा, 8 प्लस 1 9.6. 0, 0, 2 माइनस 2 इज 0, सो ऑब्वियसली सो आंसर इज 0.9 किलोमीटर. सो Ayub ट्रैवल 0.9 किलोमीटर एक्स्ट्रा देन Dinesh.
फर्स्ट ऑफ ऑल अयुब ने ज़्यादा ट्रैवल किया, कितना ज़्यादा ट्रैवल किया, तो 0.9 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल किया। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। इट इज़ वेरी इजी, ओनली द डिस्टेंस वी हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। सो पॉइंट डेसिमल का यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुआ और एडिशन हुआ, तो दिस इज हाउ यू कैन डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इजी। सो नाउ मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ व्हाट क्वेश्चन नंबर 8 सेज, श्याम बॉट 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स एंड द 3 kg 250 ग्राम मैंगोज। नाउ ऑन द अदर साइड सरला बॉट 4 kg 800 ग्राम ऑरेंजेस एंड 4 kg 150 ग्राम बनानास। सो हु बॉट मोर फ्रूट्स। सो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, श्याम ने फ्रूट खरीदे, दो फ्रूट खरीदे, एप्पल और मैंगोज। उसमें से एप्पल खरीदे 5 किलो 300 ग्राम, मैंगोज खरीदे 3 किलो 200-250 ग्राम। नाउ सरला ने भी फ्रूट खरीदे, उसमें से उसने खरीदे बनानास एंड मैं ऑरेंजेस। सो ऑरेंजेस उसने खरीदे, सरला ने खरीदे 4 किलो 800 ग्राम्स एंड द बनानास 4 किलो 150 ग्राम्स। सो हुम बॉट मोर फ्रूट्स, तो टोटल फ्रूट्स किसने ज़्यादा बाय किए वो हमने फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट फॉर श्याम। श्याम बॉट 5 kg 300 grams plus here 3 kg 250 grams. So now, first of all, we will convert all of this into kilogram. See, the 5 kg is already kilogram, so we don't have to convert this, but 300 grams you have to convert this. So as you know, 5 plus grams into kilograms, so see 300 divided by 1000 plus here 3 as it is plus 250 को grams में उसको convert करेंगे kilograms में, so the divide by 1000. So here two zeros gone. So now 5 plus here 0.3 plus on the other side, see we'll put it in the bracket both of them. Now 3 plus here 110 is gone. Now on the 100th place we have to put decimal point, so 1/10, so 0.25, 1/10 and 100. So 100th place pe hum kya karenge, point place karenge, so 0.25. now 5 plus 0.3, so 5 plus 0.3 is 5.3 plus 3 plus 0.25, so 3.25. now add 3.25 with the 5.3, so here 5.3 plus 3.25. अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, 5 as it is, 3 plus 2 5 plus 3 7, so 7.55 kilograms. So here श्याम बॉट टोटल 7.55 किलोग्राम फ्रूट। अब श्याम ने यहाँ पे कितने टोटल बाय किए, 7.55 ग्राम किलोग्राम। नाउ अब हम बात करेंगे सरला की। सरला बॉट 2, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने ऑरेंजेस बाय किए कितने, 4 kg 800 ग्राम्स प्लस उसने बनानास बाय किए कितने, 4 kg 150 ग्राम्स। सो 4 kg 150 ग्राम्स नाउ इज इक्वल टू 4 kg को हम सारे ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, सी 4 kg इज ऑलरेडी इन किलोग्राम, सो डोंट हैव टू डू एनीथिंग, प्लस 800 ग्राम्स यू हैव टू कन्वर्ट इट इन टू किलोग्राम, सो डिवाइड विद द 1000। सो put it in the bracket like this and like this, so plus 4 kg as it is plus 150 divided by 1000, because we have to convert grams into kilograms. So now 4 plus 2 zeros gone. Now 8 divided by 10 is what, 8 divided by 10 is 0.8.
plus here 4 plus 100 is good, 15 divided by 100 is what? 0.15. So now 4 plus 0.8 is 4.8. Now plus 4 plus 0.15 is 4.15. So now add 4.8 plus 4.15. So here 4.8 plus 4.15. 5 as it is, 8 plus 1 is 9, 4 plus 4 is 8. So here 8.95 kilograms. So here the difference. Shyam bought 7.55 kg and the Sarla bought 8.95 kg. So who bought more or who bought more fruits? So obviously you can say that Sarla bought more fruits. So here I can write that Sarla bought more fruits. That is your final answer. Easy है, कुछ नहीं करना. श्याम ने कितने buy किए वो find out किया, सरला ने कितने buy किए वो find out किया, फिर उन दोनों को compare किया. After comparing it we find out Sarla bought more fruits than श्याम. That's fine. That is the answer of our question number 8. Easy? Okay. Now moving on question number 9. Okay. So moving on our question number 9. So what question number 9 says? How much less is 28 kilometer than 42.6 kilometer? Now, how much less is 28 kilometer than 42.6 kilometer? मतलब यहाँ पर question कहना चाह रहा है 28 kilometer 42.6 kilometer से कितना कम है? So for that we have to do subtraction. So subtract 42.6 kilometer from 28 kilometers from 42.6 kilometers. So now subtract it. So here 42.6 minus 28.0. अगर कुछ नहीं है मतलब 0. So now subtract 6 as it is. 2 में से 8 जाएगा नहीं जाएगा, borrow 10, here it is 3. So 10 में से 8 जाएगा 2, 2, 2, 4. So 4, 3 minus 14.6. So it is the answer is 14.6 kilometer. So you can write like this, 28 kilometer, how much less is the 28 kilometer than 40.6? So 28 kilometer is, you can write answer like this, 28 kilometer is 14.6 kilometer less than 42.6 kilometers. So here it is your answer. 28 kilometer is 14.6 kilometer less than 42.6 kilometers. Easy है, कुछ नहीं करना, बस बड़े में से छोटा डिजिट माइनस करना है. माइनस करने के बाद जो आंसर मिलता है वही आपका फाइनल आंसर रहेगा. सो 28 किलोमीटर इज लेस देन 14.6 किलोमीटर लेस देन 42.6 किलोमीटर. सो दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.9 और सो 2.5 क्वेश्चन नंबर 9. सो नाउ दिस इज द end of exercise. Now moving on our next exercise in next video. Till then, thank you.